क्या होता है जिससे पेशेंट का वेट रिडक्शन इजीली नहीं होता है, आज उसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। और उसमें कौन कौन से खाने का आपको यूज करना है मैं उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। पीसीओडी होता क्यों है? पीसीओडी के बहुत सारे कारण हैं। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपकी ओवरी जो है मेल हार्मोन प्रोड्यूस करने लगती है, यानी एंड्रोजन नाम का जो हार्मोन है उसका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से आपके फेस पर एक्ने होने लगता है, जिसकी वजह से आपको फेशियल हेयर वगैरह होने लगता है, जिसकी वजह से जो ओवरीज है, जो एग प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं हैम्पर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से फीमेल को ओवुलेशन होता नहीं है, जिसकी वजह से उनका मेंसेस इररेगुलर हो जाता है। चलिए जानते हैं कि पीसीओडी में किस तरह का डाइट आपको लेना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है कि जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनका इंसुलिन लेवल बहुत हाई होता है। अब जनरली जो पीसीओडी के पेशेंट्स होते हैं इनका हार्मोनल टेस्ट किया जाता है। इस हार्मोनल टेस्ट के अंतर्गत मैक्सिमम लोगों में पाया गया है कि इंसुलिन लेवल हाई होता है। इंसुलिन का काम क्या होता है? इंसुलिन क्या करता है? जो आप खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब इंसुलिन का लेवल बढ़ जाए या इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में डेवलप हो जाए तो आपका खाना जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है और वो ग्लूकोज के फॉर्म में आपकी बॉडी में रह जाता है, जिसकी वजह से आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ आता है। आप इसीलिए आपको क्या कर रहा है, अपने खाने में शुगर या फिर स्टार्च का जो खाना है वो सारा चीज अवॉइड करना है। शुगर मतलब जो मिठाइयाँ होती हैं, शक्कर है, गुड़ है, इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, स्पेशली उन पेशेंट को जिनका इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है। आपको स्टार्च यानी जैसे चावल है, जैसे साबूदाना है, जो भी इस तरह की स्टार्ची चीज़ें हैं इनको अपने खाने में जितना हो सके मिनिमाइज करना है, कम लेना है। आपको मीट का यूज़ या बहुत सारा ऑयल डालकर जो आप फूड बनाते हैं उनको आपको अवॉइड करना है। जंक फूड की जो हमारी हैबिट होती है, पिज़्ज़ा, बर्गर, इटालियन फूड, ये फूड, वो फूड, ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ को और स्पॉइल करते हैं, क्योंकि आपको बहुत पसंद होता है, आप ओवर ईटिंग करते हैं और फिर वेट आपका रिड्यूस नहीं हो पाता है। तो अगर आपको पीसीओडी में अपने वेट को रिड्यूस करना है तो सबसे पहले जंक फूड पर आपको कंट्रोल करना होगा। देखिए, अगर आपकी रोज खाने की हैबिट है आप उसको हफ्ते में लेकर जाइए, और अगर आपकी हफ्ते में खाने की आदत है तो आप उसको महीने में लेकर जाइए। इस तरह से ग्रेजुअली आप अपने जंक फूड की हैबिट को धीरे धीरे कम कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर उसको खत्म कर सकते हैं। फिर नींद आपकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना स्ट्रेसफुल है, हमारे खाने का टाइम, पीने का टाइम, सोने का टाइम, कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, जिसका प्रभाव आपकी बॉडी पर पड़ता है और बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं। आपको अपनी स्लीपिंग पैटर्न, अपनी नींद का जो टाइमिंग है उसको फिक्स करना है। आपको हर दिन ध्यान रखना है कि आपको 8 घंटे की नींद मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर आप नाइट जॉब कर रहे हैं फिर भी आप कोशिश करिए कि डे में आपको 8 घंटे की नींद मिल जाए। आपका खाने पीने का जो तरीका है, हर दिन आप बाहर का खाते रहेंगे, हर दिन आप जंक फूड खाएंगे और बोलेंगे मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं हो सकता है। आप अपने खाने को नेचुरल तरीके से लेना चालू कीजिए, अपने खाने में पल्सेस का यूज़ कीजिए, होल ग्रेन का यूज़ कीजिए, बहुत सारे सैलड्स का यूज़ कीजिए, वेजिटेबल्स का यूज़ कीजिए, जूसेस का यूज़ कीजिए, फ्रूट्स का यूज़ कीजिए। ये सब आपको इंटरनली स्ट्रांग बनाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा करेंगे और आपके हॉर्मोन्स पर भी काम करेंगे ताकि आपके हॉर्मोन्स अच्छे रहे। इन सब के अलावा और एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पीसीओडी में, जो है स्ट्रेस। हाँ, स्ट्रेस एक बहुत मेजर कॉज है पीसीओडी का। स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप बहुत सारे मेडिटेशंस, योगा वगैरह फॉलो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए कैसे ना सेल्फ करेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
अपनी गलतियों को देखिए और अपनी गलतियों में सुधार करते जाइए। गलती हो गई, अब उस गलती को पकड़कर उस पर रोने से कोई चीज नहीं होता है। उससे क्या होता है, आप स्टक्ड हो जाते हो, और जब स्टक्ड हो जाते हो तो नेगेटिविटी जेनरेट होने लगती है और आपकी बॉडी के अंदर भी नेगेटिविटी जेनरेट होने लगती है। तो चीजों को लेट गो करो, मूव ऑन करके आगे बढ़ो, और जो आगे आप जहां पर आए हो वहां पर उस समय बेस्ट क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन पर काम कीजिए। जब आपका ध्यान हमेशा सोल्यूशन पर रहेगा तो आप बहुत सारी अपने आसपास की प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं, और वो आपके ऊपर ओवरपावर नहीं करे उसका भी आप काफ़ी ध्यान रख सकते हैं, या वो आपको हेल्प कर सकती है। आप एक्सरसाइज को इंक्लूड कीजिए, हर दिन आपको एक्सरसाइज करना है, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप वॉक कीजिए या फिर योगा कीजिए, आपको जो भी सुटेबल हो। या फिर बहुत सारे पेशेंट को मैं रिकमेंड करती हूँ, आप जुम्बा डांस वगैरह कीजिए, वो भी वेट रिडक्शन में आपको काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ आप डाइट कर ले तो आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा, या सिर्फ आप एक्सरसाइज कर ले तो आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा, या सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा ठीक कर ले तो आपका पीसीओडी ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम हुई है तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपने डॉक्टर को प्रॉपर तरीके से दिखाना पड़ेगा, जो भी आपको रूटीन टेस्ट बोलते हैं, चेकअप बोलते हैं, वो बराबर से आपको करवाना है। इनकम्प्लीट अधूरा ट्रीटमेंट हमेशा हार्मफुल हो जाता है, वो बाद में आपको जाकर तकलीफ करने लगता है। तो इसलिए जो भी आपके डॉक्टर आपको गाइड करते हैं आपको उसको फॉलो करना है। गूगल, फेसबुक या फिर जो भी इस तरह के इंफॉर्मेशन, मेडिकल इंफॉर्मेशन आप लेकर फिर ट्रीटमेंट चालू करते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा हार्म करने लगती है, क्योंकि आपका माइंड फिक्स हो जाता है। तो आपको डॉक्टर की बात भी सही नहीं लगती, आप उसको भी गूगल से ही चेक करते हैं। देखिए, डॉक्टर ने इतने साल तक पढ़ाई किया है और पढ़ाई करने के बाद इतने साल तक काम किया है, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको वो गाइड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, ना कि और किसी की बात सुननी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।